जयपुर दिल्ली हाईवे पर सोमवार को दिल्ली से जयपुर आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक सवार दंपत्ति को चंदवा जी में ताला मोड़ पर पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में नव दंपत्ति की मौत हो गई। उनकी 14 दिन पहले ही शादी हुई थी। बस भी अनियंत्रित होकर दो बार पलटी खाते हुए पलट गई। बस में सवार 17 यात्री भी घायल हो गए। घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे दयाल सिंह ने बताया कि खोरी रोड शाहपुरा निवासी महेश यादव, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसकी 30 नवंबर को खोरी निवासी संजना 20 वर्ष से शादी हुई थी। महेश सोमवार को पत्नी संजना के साथ जयपुर खींची में बुआ के यहां खाना खाने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। नव दंपत्ति के परिवारों में 17 दिन के अंदर 5 शादियां हुई। महेश 7 बहनों में इकलौता भाई था। 6 बहनें उससे बड़ी और 1 छोटी थी। उसकी शादी से 3 दिन पहले यानी 27 नवंबर को उसकी 3 बहनों की शादी हुई थी। इसी तरह पत्नी संजना के भाई की भी 7 दिसंबर को शादी हुई थी, लेकिन दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल गम में बदल गया। महेश अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसके पिताजी हलवाई का काम करते हैं। जिन परिवारों के लिए दिसंबर का ये महीना इतनी ढेर सारी खुशियां लेकर आया था, उन्हीं परिवारों में अब ऐसा कहर टूटा है कि जहां हर रोज शादी के गीत संगीत सुनाई दे रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जो रिश्तेदार चंद दिन पहले शादी की बधाइयां दे रहे थे, अब वहां गमगीन माहौल हो चुका है। बस में सवार एक यात्री ने बताया कि वह चालक की सीट के पीछे बैठा था और कोटपुतली से जयपुर जा रहा था। ताला मोड़ के पास आगे चल रही बाइक सवार ने कट कर बाइक घुमाई, पर बस इतनी तेज थी कि बाइक को टक्कर मारकर अनियंत्रित हो गई। एक बार पलटकर सीधी हुई और फिर दोबारा पलट गई।